नमस्कार, मैं हूं अजमल खान। आप देख रहे हैं AIN न्यूज़। AIN न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। कांदिवली पश्चिम में वार्ड नंबर 20 के कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष मौलाना इश्तियाक जी के हाथों माननीय राजीव गांधी जयंती के दिन फल फ्रूट वितरण और साड़ी वितरण का काम किया गया। इस वार्ड में ये मौलाना इश्तियाक जी, जो यहाँ कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ये यहाँ पर हमेशा कांग्रेस पार्टी को लेकर काफ़ी जागरूक रहते हैं और यहाँ पब्लिक को लेकर काफ़ी जागरूकता का काम करते हैं। मौलाना इश्तियाक जी यहाँ गली गली कूचे कूचे में जाकर पब्लिक के हित में काम करते हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता इकबाल खान की ये खास रिपोर्ट। नेताजी, ये बताइए कि जैसे कि आपने आज फ्रूट वितरण का काम किया, ठीक है, लोगों में आपने फ्रूट बांटा, इसके पीछे आपका क्या मकसद है? आज भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती अवसर पर फ्रूट वितरण और साड़ी का प्रोग्राम किया गया। उद्देश्य ये था कि जब भी कोई अच्छा काम करना होता है तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लीडर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निकल करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सामने आते हैं अच्छे काम करने के लिए। तो उस एतबार से कांग्रेस पार्टी हमेशा अच्छा काम करती है और करती रहेगी। जिस तरह आज देखा जा रहा है कि बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है, आज लोगों के बीच घूम रही है, तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है आने वाले इलेक्शन में? महाराष्ट्र में महागाड़ी सरकार है, बीजेपी जन यात्रा कर रही है, वो कितना भी यात्रा करे उससे कुछ फर्क गिनने वाला नहीं है, क्योंकि जनता महाराष्ट्र की समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी अच्छी है और किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है और उनके सरकार केंद्र में है तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए, सरसों तेल के भाव बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू गए। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से लोगों में ये जागरूकता है कि मतलब आने वाले इलेक्शन में 2022 में कॉरपोरेशन कांग्रेस पार्टी की सीट ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएगी। ये कट कर दे। जिस तरह आने वाले इलेक्शन, कॉरपोरेशन इलेक्शन 2022 में, आप इस वीडियो के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और इलाके के अंदर हम गरीबों में घूमते हैं, गरीब लोगों के बस्ती में हम खुद रहते हैं। गरीब लोग इस महंगाई से बहुत ही त्रस्त है और महंगाई को देखते हुए गरीबों का कहना है कि बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लाना है। आने वाले 2022 कॉरपोरेशन इलेक्शन में जनता इसका जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के आएंगे।